हिमाचल परिवहन निगम ने भोटा बस अड्डे में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल परिवहन निगम ने बस अड्डे में खोखा धारकों को 24 घंटे की चेतावनी दी थी कि वे अपने खोखों को पीछे हटा लें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें हटाया है। हिमाचल परिवहन निगम ने बस अड्डे में अतिक्रमण के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की। हटाए गए अवैध कब्जे। हिमाचल परिवहन निगम ने बस अड्डे में खोखे धारकों को 24 घंटे की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अपने खोखे पीछे हटा लें, नहीं तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। आरएम विवेक लखनपाल सहित हिमाचल परिवहन निगम के 25 से 30 कर्मचारी अपनी पूरी टीम के साथ भोटा बस अड्डे पर पहुंचे। जो खोखे धारकों ने टीन के शेड जो लगाए थे उन्हें भी हटाया गया और दुकानदारों का भी सामान जब्त कर लिया गया। विवेक लखनपाल ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।